सीता नवमी। सीता नवमी का त्यौहार मिथिला की राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी और अयोध्या की रानी देवी सीता के अवतार दिवस अथवा जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जानकी नवमी भी कहा जाता है। सीता माता के जन्म से जुड़ी कथा का रामायण में भी उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय मिथिला राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। राजा जनक बहुत ही पुण्य आत्मा और दयालु राजा थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते और गौदान भी किया करते थे, परंतु इस भीषण अकाल ने उन्हें अत्यंत विचलित कर दिया था। अपनी प्रजा को मरते देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। तब सभी ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि यदि राजा जनक स्वयं ही खेतों में हल जोते तो अकाल दूर हो सकता है। तब अपनी प्रजा के सुख के लिए राजा जनक हल उठाकर चल पड़े। जिस स्थान पर राजा जनक ने हल चलाया वह स्थान वर्तमान समय में बिहार राज्य के सीतामढ़ी के पुनौरा ग्राम को बताया जाता है। कहा जाता है कि जब राजा जनक खेतों में हल चलाने लगे तो वह हल एक जगह पर जाकर अटक गया। राजा जनक ने बहुत कोशिश की, परंतु हल की नोक ऐसे घसी हुई थी कि वह निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब राजा जनक ने अपने सैनिकों से आसपास की जमीन की खुदाई करने के लिए कहा। जब सैनिकों ने वहां पर खुदाई की तो वहां से एक बहुत बड़ा कलश निकला। जब उस कलश को खोला गया तो उसमें से एक सुंदर नवजात कन्या निकली। राजा जनक निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। और ठीक उसी समय मिथिला में जोर से बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। जोती हुई भूमि को और हल की नोक को सीता कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने उस बालिका का नाम सीता रखा। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसी कारण सीता नवमी को मैथिली दिवस भी कहा जाता है। इस प्रकार सीता माता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी और उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हो गया था। जिस दिन सीता माता राजा जनक को प्राप्त हुई वह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। इसी कारण उसी दिन से यह दिन सीता नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे हिंदू धर्म में सीता नवमी का बहुत महत्व है। सीता नवमी के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सफलता के लिए देवी सीता की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन माता सीता की श्रद्धा से पूजा करता है और उपवास रखता है उसे पृथ्वी दान का फल, 16 महान दानों का फल और सभी तीर्थों के दर्शन का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं सीता नवमी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः शीघ्र उठकर स्नान करने के पश्चात जमीन को लीप कर अथवा स्वच्छ जल से धोकर आम के पत्तों और फूलों से मंडप बनाएं। उस मंडप के ऊपर एक चौकी रखें। चौकी पर पीला अथवा लाल वस्त्र बिछाकर भगवान राम और माता सीता का चित्र अथवा मूर्ति रखें। अब विधि विधान से पूजा करें। माता पर श्रृंगार और चुन्नी अर्पित करें तथा माता सीता की आरती करें। इस दिन यथासंभव उपवास रखें और भगवान श्री राम और माता सीता को मिठाई का भोग लगाएं। अगले दिन यह मंडप किसी नदी में विसर्जित कर दें। इस दिन सीता माता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का यथासंभव जाप करना चाहिए। यह विशेष फलदायी होता है। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र अष्टकम तथा रामचरितमानस का पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से माता सीता अखंड सुहागिन का आशीर्वाद देती है। बोलो जय सीता माता की, जय सिया राम।
यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो इसे आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाल रंग के बटन को प्रेस कर मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।